हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख मंदिरों को जिलेवार देखते हैं। राजस्थान के प्रमुख मंदिरों को हम दो भागों में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है, उसे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें। तो देखते हैं राजस्थान के प्रमुख मंदिरों को। सबसे पहले भारत की प्रमुख मंदिर निर्माण शैलियों को देखते हैं। पहली शैली है एकायतन शैली। एकायतन शैली में मंदिर में एक ही देवता और देवी का मंदिर होता है, जिसमें एक गर्भगृह है, सभा मंडप और एक ही द्वार होता है। नेक्स्ट है पंचायतन शैली। पंचायतन शैली के मंदिर में एक मुख्य देवी या देवता का मंदिर होता है, जबकि इस मंदिर के चारों कोनों में चार अलग अलग मंदिर होते हैं। नेक्स्ट है नागर शैली। नागर शैली के मंदिरों की प्रधानता उत्तर भारत में है। यह मंदिर शिखर नुमा आकृति में बनाए जाते हैं। इस शैली को आर्य शैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली के मंदिर का निर्माण दक्षिण भारत में किया जाता है, जो कि पिरामिड नुमा आकृति के होते हैं। नेक्स्ट है बेसर शैली या चालुक्य शैली। यह मंदिर निर्माण शैली द्रविड़ तथा नागर शैली के मिश्रण से बनी है। इस शैली के मंदिरों का निर्माण मध्य भारत में सर्वाधिक किया गया है। राजस्थान के मंदिरों में सबसे पहले देखते हैं उदयपुर जिले के मंदिरों को। पहला है एकलिंग जी का मंदिर। यह मंदिर उदयपुर के नागदा में बना है। एकलिंग जी मेवाड़ के सिसोदिया वंश के इष्ट देवता कुल देवता माने जाते हैं। मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को मेवाड़ का वास्तविक शासक था, स्वयं को इनका दीवान मानते थे। इस एकलिंग जी मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने किया था, जबकि इसका जीर्णोद्धार मुगल ने करवाया था। नेक्स्ट है अंबिका देवी का मंदिर। यह मंदिर उदयपुर के जगत में है। इस अंबिका देवी मंदिर में नृत्य करते गणेश जी की विशाल प्रतिमा है। इसे मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सास बहू का मंदिर। यह मंदिर उदयपुर के नागदा में है और इसे सहस्त्र बहू का मंदिर और सास बहू का मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर सोलंकी व महामारू शैली में बना है। नेक्स्ट है जगदीश मंदिर। इस मंदिर का निर्माण महाराणा जगत सिंह प्रथम ने 1651 में उदयपुर के सिटी पैलेस के पास पिछोला झील के किनारे करवाया था। इस मंदिर में भगवान जगदीश की काले पत्थर से निर्मित मूर्ति है। इस मंदिर को सपने से बना मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के शिल्पकार अर्जुन भाषा एवं मुकुंद थे। नेक्स्ट है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर उदयपुर में हाडा पर्वत पर बना है, जिसे गिरवा का अमरनाथ और मेवाड़ का अमरनाथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जावर का विष्णु मंदिर। यह मंदिर उदयपुर के जावर में स्थित है। उदयपुर के जावर में स्थित रमानाथ कुंड और भगवान विष्णु के इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई ने करवाया था। नेक्स्ट है स्कंद कार्तिकेय मंदिर। यह मंदिर उदयपुर के तनेसर में देवताओं की सेना के अधिपति कार्तिकेय, जो भगवान शिव के पुत्र है, का मंदिर है। अब देखते हैं जयपुर के मंदिरों को। पहला मंदिर है बिड़ला मंदिर या लक्ष्मी नारायण मंदिर। इस मंदिर का निर्माण गंगा प्रसाद बिड़ला ने हिंदुस्तान चैरिटी ट्रस्ट के माध्यम से करवाया था। यह मंदिर एशिया का प्रथम वातानुकूलित मकराना के सफेद संगमरमर से निर्मित है। नेक्स्ट है जगत शिरोमणि मंदिर। इस मंदिर का निर्माण आमेर में मानसिया प्रथम की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। इसे मीरा मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गलताजी मंदिर। प्राचीन समय में इस स्थान पर गालब ऋषि का आश्रम था, उसी से इसका नाम गलता पड़ा है। गलताजी पूर्व मध्य काल में ना संप्रदाय की गद्दी थी, लेकिन 1503 ईस्वी में रामानंद संप्रदाय के परिहारी ने यहाँ पर रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी। इसे मध्यकाल में उत्तर तोतातरी और वर्तमान में जयपुर का बनारस, राजस्थान की दूसरी व छोटी काशी और मंकी वैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मोती डूंगरी गणेश मंदिर। यह मंदिर मोती डूंगरी पहाड़ी की तलहटी में बना है, जिसका निर्माण 1761 में स्वाई माधो सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट है श्री गोविंद देव जी का मंदिर। भगवान श्री कृष्ण के प्रपोत्र राजा ब्रजनाथ ने श्री कृष्ण के तीन विग्रहों गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी का निर्माण मथुरा में करवाया था। 1590 ईस्वी में मानसिया प्रथम ने वृंदावन में एक मंदिर का निर्माण कर वहां पर गोविंद देव जी को स्थापित किया था। औरंगजेब के शासनकाल में गोसाई संप्रदाय के पुजारी ने गोविंद देव जी के विग्रह को लेकर जयपुर आ गए थे और यहाँ स्वाई जयसिंह ने इसे जय निवास उद्यान में सूर्य महल में स्थापित किया था। जयपुर के शासक श्री गोविंद देव जी को जयपुर का वास्तविक शासक था, स्वयं को इनका दीवान मानते हैं। नेक्स्ट है श्री गोपीनाथ जी मंदिर। श्री गोपीनाथ जी के विग्रह को भी श्री गोविंद देव जी के साथ जयपुर लाया गया था, जिसे जल महल के पास कनक वृंदावन मंदिर में स्थापित किया गया था।
नेक्स्ट है राजेश्वर शिवालय। इस मंदिर का निर्माण मोती डूंगरी पहाड़ी पर 1864 में स्वाई राम सिंह ने करवाया था। यह जयपुर शासकों का निजी मंदिर है जिसे आम लोगों के लिए केवल एक बार महाशिवरात्रि के दिन ही खोला जाता है। नेक्स्ट है कल्की मंदिर। जयपुर में बना यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है जो संसार का एकमात्र कल्की भगवान का मंदिर है। नेक्स्ट है सामोद के वीर हनुमान जी का मंदिर। यह मंदिर जयपुर जिले में चोमू पहाड़ी पर बना हुआ है। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा वृद्धावस्था रूप में है। नेक्स्ट है अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर का निर्माण आमेर में कांकिल देव ने 1037 ईस्वी में करवाया था। यह मंदिर आमेर में कछवा शासकों द्वारा बनाया गया सबसे प्राचीन मंदिर है। नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण मंदिर। इस मंदिर का निर्माण आमेर में पृथ्वीराज कछवा की पत्नी बालाबाई ने करवाया था। इसके अलावा जयपुर के आमेर में कल्याण राय जी का मंदिर और सूर्य मंदिर भी बना हुआ है। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ जिले के मंदिर। पहला है बाड़ोली का शिव मंदिर। इस मंदिर का निर्माण चित्तौड़गढ़ में परमार शासक हूण ने करवाया था। यह चित्तौड़गढ़ जिले के भैंस रोडगढ़ कस्बे के पास है। बाड़ोली का मुख्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है जिसे घाटेश्वर महादेव कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर भगवान विष्णु के 52 अवतार की प्राचीन मूर्ति भी बनी हुई है। नेक्स्ट है समीदेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर का निर्माण चित्तौड़गढ़ दुर्ग में परमार शासक भोज ने करवाया था। मेवाड़ के महाराणा मोकल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था इसलिए इसे मोकल जी का मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मीराबाई का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण राणा सांगा ने मीराबाई की भक्ति के लिए महल के रूप में करवाया था। इस मंदिर के सामने मीराबाई के गुरु रेदास जी की छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट है सांवलिया सेठ का मंदिर। यह मंदिर चित्तौड़गढ़ के मंडपिया गांव में स्थित है। इसे अफीम मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कुंभ श्याम मंदिर। यह मंदिर मूल रूप से सूर्य मंदिर था लेकिन मलेच्छों के आक्रमण होने पर इसे नष्ट कर दिया गया था। इसी जगह पर महाराणा कुंभा ने भगवान विष्णु के बरावतार की मूर्ति स्थापित कर इसका जीर्णोद्धार करवाया था। यह मंदिर इंडो आर्यन शैली में बना है। नेक्स्ट है कालिका माता का मंदिर। यह मंदिर भी मूल रूप से सूर्य मंदिर था लेकिन मुगलों के आक्रमण द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था। इसके बाद महाराणा सज्जन सिंह ने यहाँ पर कालिका माता की मूर्ति स्थापित की थी। नेक्स्ट है मातृकुंडिया। यह मंदिर चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया स्थान पर चंद्रभागा नदी के किनारे पर है। इसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। इस मंदिर में मंगलेश्वर महादेव स्थित है। नेक्स्ट है कोटा के मंदिर। पहला है कंसुआ का शिव मंदिर। यह मंदिर प्राचीन समय में कण्व ऋषि के आश्रम के रूप में था। इस मंदिर की दीवार पर कुटिया लिपि में शिवगण मौर्य का शिलालेख लिखा हुआ है जिसमें मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है। इसी मंदिर में 1008 मुखी शिवलिंग भी है। नेक्स्ट है चारचोमा शिव मंदिर। यह मंदिर कोटा के चारचोमा गांव के पास है। यह कोटा का सबसे प्राचीन शिव मंदिर है। नेक्स्ट है मथुराधीश जी का मंदिर। इस मंदिर की स्थापना बल्लभ संप्रदाय के संस्थापक बल्लवाचार्य के पुत्र विठलदास जी ने पाटनपोल में करवाई थी। भारत में बल्लभ संप्रदाय की 7 प्रमुख पीठों में से एक कोटा की पीठ भी है। नेक्स्ट है विभीषण मंदिर। इस मंदिर में केवल विभीषण की मूर्ति के शीश की पूजा की जाती है। यह देश का एकमात्र विभीषण मंदिर है। नेक्स्ट है बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर। यह मंदिर कोटा के बूढ़ादीत गांव में स्थित है। प्राचीन समय में इसका नाम वृद्धादित्य था जो कालांतर में बूढ़ादीत हो गया है। नेक्स्ट है गेपरनाथ महादेव मंदिर। यह मंदिर कोटा में चंबल नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर में जाने के लिए 300 सीढ़ियां नीचे उतरनी पड़ती है और इस मंदिर में स्थित शिवलिंग पर सदैव झरने की एक धारा गिरती रहती है। नेक्स्ट है सवाई माधोपुर जिले के मंदिर। पहला है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। यह मंदिर रणथंभौर दुर्ग में स्थित है जिसमें श्री गणेश की मूर्ति में केवल मुख है। यह विश्व का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। इस मंदिर के सामने पद्मतला तालाब बना हुआ है जिसमें हमीर देव की पुत्री देवलदेव ने जल जोहर किया था। नेक्स्ट है घुसमेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर सवाई माधोपुर के सिवाड़ गांव में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग बना हुआ है। नेक्स्ट है काला गोरा भैरू जी मंदिर। यह मंदिर सवाई माधोपुर जिले में पहाड़ी पर 9 मंजिला है जो मूल रूप से एक प्राचीन तांत्रिक पीठ है। इस मंदिर में भैरू जी की मूर्ति लटकती हुई प्रतीत होती है इसलिए इसे झूलता हुआ भैरू भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अमरेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर दुर्ग से 4 मील की दूरी पर है। नेक्स्ट है सीकर जिले के मंदिर। पहला है खाटू श्याम जी का मंदिर। यह मंदिर सीकर जिले के खाटू गांव में बना हुआ है। इस मंदिर में घटोत्कच के पुत्र बरबरी की श्याम रूप में केवल शिष्य की पूजा की जाती है।
इस मंदिर की नींव अजमेर के अबेसिया ने रखी थी। नेक्स्ट है हर्षनाथ मंदिर। यह मंदिर सीकर से 14 किलोमीटर दूर हर्षनाथ पहाड़ी पर महामारी शैली में निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। औरंगजेब के सेनापति खान जहां बहादुर द्वारा इस मंदिर को तोड़ देने के बाद नए मंदिर का निर्माण सीकर के राव शिव सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट है सप्तगो माता मंदिर। यह मंदिर सीकर के रेवासा में बना हुआ है, जो राजस्थान का प्रथम गो माता मंदिर है। नेक्स्ट है बाड़मेर जिले के मंदिर। पहला है किराड़ू मंदिर। यह मंदिर बाड़मेर जिले के हातमा गांव के पास हल्देश्वर पहाड़ी की तलहटी में बना हुआ है। यहाँ पर बने 5 मंदिरों में एक भगवान विष्णु का मंदिर, बाकी 4 मंदिर भगवान शिव के हैं। इस मंदिर में बनी मूर्तियों में सागर मंथन, रामायण एवं महाभारत से संबंधित दृश्य दर्शाए गए हैं। इस मंदिर को मूर्तियों का खजाना तथा राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। यह मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट है हल्देश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर बाड़मेर में पिपलूद गांव के पास 56 की पहाड़ियों में बना हुआ है। पिपलूद को मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है। नेक्स्ट है श्री रणछोड़ राय जी का मंदिर। यह मंदिर बाड़मेर के खेड़ में भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट है आलम जी का मंदिर। यह मंदिर बाड़मेर के गुड़ा बलानी में स्थित है, जो घोड़ों के तीर्थस्थल के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मलिनाथ जी का मंदिर। बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में लोक देवता मलिनाथ जी का मंदिर है। यहां पर विशाल तिलवाड़ा पशु मेला लगता है, जिसमें मलानी नस्ल के घोड़े भी बिकने के लिए आते हैं। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी मलानी नस्ल का था। नेक्स्ट है बर्मा जी का मंदिर। यह मंदिर बाड़मेर के आसोतरा में स्थित है, जिसका निर्माण 1984 में खेतराम जी महाराज ने करवाया था। नेक्स्ट है गरीबनाथ जी का मंदिर। इस मंदिर की स्थापना जोशी कोमलनाथ ने बाड़मेर जिले में शिवपुरी स्थान पर करवाया था। नेक्स्ट है राजसमंद जिले के मंदिर। पहला है चारभुजा नाथ मंदिर। यह मंदिर राजसमंद के गठबोर में स्थित है, जो मेवाड़ के 4 प्राचीन धामों में से एक है। यहाँ वर्ष में 2 बार होली व देवजुलनी एकादशी पर मेले का आयोजन किया जाता है। इसे मेवाड़ का वारीनाथ कहा जाता है। नेक्स्ट है श्री नाजी मंदिर नाथद्वारा। यह मंदिर राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर है। पहले श्री नाजी का मंदिर गोवर्धन पर्वत पर था, लेकिन औरंगजेब की धर्मविरोधी नीति के कारण इन मूर्तियों को मेवाड़ लाया गया था। इसके बाद महाराणा रासिया ने राजसमंद में सिहाड़ नामक स्थान पर इन मूर्तियों को स्थापित करके मंदिर का निर्माण करवाया था, जो नाथद्वार के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस मंदिर के ऊपर 7 रंग की ध्वजा लहराने के कारण इसे 7 ध्वजा का नाथ कहा जाता है। इसके अलावा इस मंदिर को हवेली भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ की गायकी हवेली संगीत के नाम से लोकप्रिय है। नेक्स्ट है द्वारकाधीश जी का मंदिर। यह मंदिर राजसमंद के कांकरोली में बना हुआ है। यह द्वारकाधीश जी की प्रतिमा भी श्रीनाथ जी की प्रतिमा के साथ मेवाड़ लाई गई थी। नेक्स्ट है अजमेर जिले के मंदिर। पहला है बर्मा मंदिर। यह मंदिर अजमेर के पुष्कर में बना हुआ है, जिसका निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1809 ईस्वी में गोकुलचंद पारिक ने दिया था। इस मंदिर को ब्रह्म नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सावित्री मंदिर। यह मंदिर भी पुष्कर में बर्मा मंदिर के पीछे एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है वराह मंदिर। पुष्कर में भगवान विष्णु के वराह अवतार के मंदिर का निर्माण अर्नोराज ने करवाया था। इस मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर के सवाई जयसिंह ने करवाया था। नेक्स्ट है रंगनाथ जी का मंदिर। वैष्णव संप्रदाय की रामानुज शाखा के रंगनाथ जी का मंदिर 1844 में सेठ पूरनमल ने करवाया था। इस मंदिर में भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जी सिंह पर सवार है। नेक्स्ट है महादेव जी का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण पुष्कर में ग्वालियर के अन्नाजी सिंधिया ने करवाया था। नेक्स्ट है रमा वेंकुट जी का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण पुष्कर में 1820 में गीडवाना के सेठ मंगनीराम बांगड़ ने करवाया था। नेक्स्ट है काचरिया मंदिर। यह मंदिर किशनगढ़ में बना हुआ है, जो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का मंदिर है। नेक्स्ट है 12 जिले के मंदिर। पहला है भंडदेवरा शिव मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में मेदवंशीय राजा मल्यवर्मा ने 12 जिले में करवाया था। 1162 ईस्वी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कृष वर्मा ने करवाया था। यह मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो तथा हाड़ौती का खजुराहो भी कहते हैं। नेक्स्ट है ब्राह्मणी माता का मंदिर। यह मंदिर 12 जिले के सोरसेन में बना हुआ है, और इस ब्राह्मणी माता के मंदिर में देवी की पीठ की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है फूलदेवरा का शिवालय। यह मंदिर 12 जिले के अटरू में स्थित है। इस मंदिर को मामा भांजा का मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गढ़गच देवालय।
यह शिव मंदिर 12 जिले के अटरू में बना हुआ है, जिसे औरंगजेब ने तोप से तुड़वा दिया था। नेक्स्ट है कल्याण राय जी का मंदिर। बूंदी की राजमाता राजकुंवर बाई ने रणथंभौर किले से श्री कल्याण जी की मूर्ति लाकर 12 जिले में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है प्यारे राम जी का मंदिर। यह मंदिर 12 जिले में रामानंद संप्रदाय के कुलगुरु स्वामी श्री राम जी के शिष्य प्यारे राम जी का मंदिर है। यहाँ पर रामानंद संप्रदाय की गुदड़पन पीठ बनी हुई है। नेक्स्ट है तेली का मंदिर। यह मंदिर 12 जिले के श्रीनाल गांव में भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। नेक्स्ट है बांसवाड़ा जिले के मंदिर। पहला है त्रिपुरा सुंदरी देवी मंदिर। यह मंदिर बांसवाड़ा के तलवाड़ा के समीप पंचाल जाति की कुल देवी त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर है। इस देवी की पीठिका में श्री यंत्र अंकित है। इस देवी को तुरताई माता और महालक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है घोटिया अम्बा मंदिर। यह मंदिर बांसवाड़ा के बागीदोरा पंचायत समिति में है। मान्यता के अनुसार पांडवों ने वनवास का कुछ समय यहाँ गुजारा था। नेक्स्ट है छिंच का बर्मा मंदिर। बांसवाड़ा के छिंच गांव में बर्मा मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में महारावल जगमाल ने किया था। नेक्स्ट है तलवाड़ा का प्राचीन सूर्य मंदिर। यह मंदिर बांसवाड़ा के तलवाड़ा स्थान पर 11वीं शताब्दी में बना सूर्य मंदिर है। इसी मंदिर के पास 12वीं शताब्दी का लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है। नेक्स्ट है मंडलेश्वर शिव मंदिर। यह मंदिर बांसवाड़ा के अर्थना गांव में लकुली संप्रदाय का परमारकालीन शिव मंदिर है। नेक्स्ट है भीलवाड़ा जिले के मंदिर। पहला है सवाई भोज मंदिर। यह मंदिर भीलवाड़ा के असिंध में स्थित है, जिसके एक तरफ खारी नदी और दूसरी तरफ राठौला तालाब है। नेक्स्ट है बाईसा महारानी मंदिर। यह मंदिर भीलवाड़ा जिले के गंगापुर कस्बे में ग्वालियर के महाराजा माजी सिंधिया की महारानी गंगाबाई का मंदिर है। नेक्स्ट है तिलस्मा महादेव मंदिर। यह मंदिर भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे में बना हुआ है। इस मंदिर में कुष्ठ व चरम रोग से पीड़ित व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं। नेक्स्ट है हरनी महादेव मंदिर। यह मंदिर भीलवाड़ा में पहाड़ियों के बीच बना हुआ है। नेक्स्ट है भरतपुर जिले के मंदिर। पहला है उषा मंदिर। यह मंदिर भरतपुर के बयाना कस्बे में बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण गुज्जर प्रतिहार राजा लक्ष्मण सेन की पत्नी चित्रलेखा ने करवाया था। 1224 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने इसे तुड़वाकर मस्जिद में बदल दिया था। नेक्स्ट है लक्ष्मण मंदिर। भरतपुर शहर के बीच बने इस लक्ष्मण मंदिर का निर्माण महाराजा बलदेव सिंह ने करवाया था। यह भारत का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है। श्री लक्ष्मण जी को भरतपुर के जाट राजवंश के कुल देवता माने जाते हैं। राजस्थान के प्रमुख मंदिरों का पहला वीडियो इतना ही। बाकी बचे शेष मंदिरों की जानकारी हम दूसरे वीडियो में प्राप्त करेंगे, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी हुई है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।